जैसे मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल होने के साथ साथ देश की इकोनॉमिक कैपिटल भी मानी जाती है। कारण है यहाँ मौजूद देश के मेजर फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन सेंटर्स। समुद्र के किनारे बसे शहर के बारे में कहा जाता है कि यह ना तो रात को सोती है और ना ही दिन को। यही वो सिटी है जहाँ देश के मेजर पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे RBI, SBI, BSE, टाटा ग्रुप, गोदरेज, रिलायंस एक्सेट्रा के हेड ऑफिस मौजूद हैं। इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहीं लोकेटेड है और इंडिया का बी टाउन यानी बॉलीवुड टाउन भी यहाँ सिचुएटेड है। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से बेटर फ्यूचर के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग मुंबई का रुख करते हैं ताकि यहाँ मौजूद जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बुनाया जा सके। ऐसे में मुंबई पर पॉपुलेशन का प्रेशर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। आज यहाँ की मेट्रोपॉलिटन एरिया पॉपुलेशन 15 मिलियन से ज्यादा है जो इसे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बनाती है। लेकिन कंटिन्यूअसली बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स सैचुरेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऊपर से क्योंकि मुंबई अरेबियन सी की वजह से तीन ओर से क्रीक या खाड़ी से घिरी हुई है, इसलिए सिटी को स्पैन करना पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि मुंबई से सटे रीजन यानी मेनलैंड में नवी मुंबई को बसाया गया था। लेकिन यहाँ भी डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और आने वाले समय में ये भी काफी डेंस हो जाएगा। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब नवी मुंबई के पास ही एक नई सिटी को बनाने का प्लान किया जा रहा है। उसका नाम है नैना। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराउंड 371 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी से इक्विप्ड वेल प्लान्ड सिटी नैना को डेवलप किया जा रहा है। आज के डिस्कशन में हम इसी फ्यूचरिस्टिक सिटी नैना की बात करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इस सिटी के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि इस सिटी को कब प्रपोज किया गया और अभी इसका अपडेट क्या है। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, नैना यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया एक प्लान्ड सिटी है। दरअसल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 25 किलोमीटर रेडियस में लैंड पर डेवलप होने वाले एरिया को ही नैना के नाम से बुलाया जा रहा है। नैना प्रोजेक्ट टोटल 11 टाउन प्लानिंग स्कीम यानी TPS के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसे एक फाइनेंशियल सेंटर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। फॉर्मली 13 जून 2013 को ये सिटी अनाउंस की गई थी और नवंबर 2014 में इसे एज पोटेंशियली द बिगेस्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया डिस्क्राइब किया गया। न्यू दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के बाद मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ से डेली मोर देन 900 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। वहीं इस एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का प्रेशर कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है, जबकि इस एयरपोर्ट के आसपास रेजिडेंशियल सोसाइटीज, बिजनेस सेंटर्स और दूसरे कई तरह के कंस्ट्रक्शन किए जा चुके हैं, जिस वजह से इस एयरपोर्ट को स्पैन नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने नवी मुंबई रीजन में न्यू एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया, जिसका काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस एरिया में एयरपोर्ट आने से लोगों में यहाँ प्रॉपर्टी को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस एयरपोर्ट के आसपास अनप्लान्ड ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए एक प्लान्ड सिटी डेवलप करने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे नैना नाम दिया गया। जब नवी मुंबई एयरपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल दिया गया, तब इसके अप्रूवल में कुछ कंडीशंस भी शामिल थीं, जिनमें से एक कंडीशन ये भी थी कि एयरपोर्ट के आसपास अनप्लान्ड हैपहैजार्ड ग्रोथ से बचने के लिए नवी मुंबई के मास्टर प्लान और डेवलपमेंट प्लान को रिवाइज और रिकास्ट किया जाएगा। नए एयरपोर्ट के आसपास इन्फ्लुएंस जोन के असेसमेंट में जिन फैक्टर्स को कंसिडर किया गया, उनमें एरोट्रोपोलिस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट, रीजन में वेरियस प्लानिंग अथॉरिटीज की कनेक्टिविटी और ऑपरेशन शामिल हैं। प्रपोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइट से करीब 25 किलोमीटर के रेडियल डिस्टेंस के भीतर प्लान्ड और ऑर्डरली डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट को जरूरी समझा गया। लिहाजा 10 जनवरी 2013 को सिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी CIDCO को बतौर स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी अपॉइंट किया गया। CIDCO वही अथॉरिटी है जिसने नवी मुंबई जैसे प्लान्ड सिटी को डेवलप किया। दोस्तों, नैना में करीब 270 विलेजेस और कई इंडिपेंडेंट हटमेंट्स यानी झोपड़ियां हैं। साथ ही यहाँ कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, बिग होम्स, स्कूल्स, बैंक, क्लिनिक्स और फार्म हाउसेस भी मौजूद हैं। ऐसे में गवर्नमेंट का मकसद है कि नैना रीजन में हाई ग्रोथ जोन्स, मिक्स्ड यूज जोन्स, पार्क्स, स्कूल्स और दूसरी वो सभी चीजें होंगी जो किसी सिटी की बैकबोन होती हैं। दोस्तों, नैना के लिए एक लार्ज लैंड एरिया डिजिग्नेट किया गया था जो एस्टिमेटेड 550 और 600 स्क्वायर किलोमीटर के बीच था, लेकिन फिलहाल अराउंड 371 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसे डेवलप किया जा रहा है। जब नैना के लिए प्लानिंग पावर्स CIDCO को ट्रांसफर कर दी गई
और नोटिफिकेशंस में ये स्पेसिफाई किया गया कि डेवलपमेंट परमिशन के सभी प्रपोजल्स को अब CIDCO द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। तब इसे लेकर लोकल्स ने लैंड एक्विजिशन का इनिशियल फेज में विरोध किया। 2014 में जब सर्वे किया जा रहा था तब नैना फेज वन यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए नोटिफाइड 23 विलेजेस के रेसिडेंट्स ने इससे कड़ी आपत्ति जताई। इन लोगों का कहना था कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। इन विलेजेस के रेसिडेंट के मुताबिक एग्रीकल्चर उनकी इनकम का मेन सोर्स है, ऐसे में इस प्रोजेक्ट के लिए उनकी जमीन लेने से उन पर काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। लोगों का कहना था कि CIDCO पर उन्हें भरोसा नहीं है क्योंकि 1970s में नवी मुंबई सिटी के डेवलपमेंट के लिए जिन फार्मर्स ने अपने लैंड दिए उन्हें अभी तक कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। वहीं अफेक्टेड फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस किया गया था लेकिन कई लोगों को जॉब्स नहीं मिले जिसकी वजह से वो छोटे मोटे काम करने को मजबूर हैं। वहीं विलेजर्स को इस बात पर भी ऑब्जेक्शन था कि CIDCO उन्हें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है वो इंग्लिश में है जबकि ज़्यादातर किसान इसे नहीं समझते। साथ ही विलेजर्स का क्लेम था कि डेवलपर्स के लैंड को तरजीह दी जा रही है और उसे अनटच्ड छोड़ दिया गया है जबकि उनके लैंड्स को पब्लिक यूटिलिटी पर्पसेस के लिए ईयरमार्क किया गया है। बाद में नैना का विरोध करने वाले 111 विलेज के फार्मर्स ने शेतकारी उत्कर्ष समिति नाम से एक कमिटी फॉर्म की। अभी भी फार्मर्स इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो लैंड पूलिंग स्कीम पेश की है वो इन्हें मंजूर नहीं है। दोस्तों विलेजर्स के विरोध की वजह से ये प्रोजेक्ट काफी समय तक रुका रहा। नैना के ऑफिशियल्स ने रेसिडेंट के कंसर्न को जानने और उन्हें कन्विंस करने का प्रयास किया। उन्हें लैंड पूलिंग स्कीम का ऑफर दिया गया जिसके बाद CIDCO नैना प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में तेजी ला पाया। वहीं CIDCO ने इसी साल मई में नैना में टाउन प्लानिंग स्कीम 2 TPS 2 के तहत 6 विलेजेस के लैंड ओनर्स को प्लॉट अलॉट किया है। 9200 स्क्वायर मीटर लैंड चिपले, विहीघर, देवाड़, भोकरपाड़ा, बेलावली और संगाड़े विलेजेस के लैंड ओनर्स को हैंडओवर किया गया है। नैना प्रोजेक्ट CIDCO द्वारा शुरू किया गया ऐसा अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें एक यूनिक डेवलपमेंट मॉडल अडॉप्ट किया गया है। इसमें लैंड ओनर्स को उनके ओरिजिनल लैंड्स का 40% तक डेवलप्ड लैंड देकर उन्हें डेवलपमेंट में पार्टनर बनाया जाता है और बाकी 60% लैंड का यूज फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाता है जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस रेजिंग के लिए मिनिमम लैंड का यूज कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए किया जाएगा। वहीं अर्बन फॉरेस्ट्री को इनकरेज करने के लिए प्रोजेक्ट के भीतर फॉरेस्ट लैंड्स के कुछ हिस्सों के आसपास ज्यादा ग्रीन स्पेस ऐड किया गया है। नैना प्रोजेक्ट में 11 ऐसी टाउन प्लानिंग स्कीम्स हैं। TPS 1 का काम पूरी तरह कंप्लीट है और TPS 2 का पोजेशन अब लैंड ओनर्स को दे दिया गया है। वहीं CIDCO ने कुछ मंथ पहले ही TPS 2, 3, 4, 5 और 6 के तहत Stage 1 तक के रोड्स, फुटपाथ और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए टेंडर जारी किया था। वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नैना प्रोजेक्ट के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स और लैंड सर्वे ऑफिसर्स के 22 पोस्ट क्रिएशन के लिए CIDCO के रिक्वेस्ट को अप्रूवल दे दिया था। इससे नैना प्रोजेक्ट के वेरियस वर्क्स को पूरा करने के लिए CIDCO के पास अपना एडिशनल लैंड डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स होगा जिससे कि इस प्रोजेक्ट के स्टिपुलेटेड टाइम के भीतर इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगी। दोस्तों नैना में CIDCO मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एडू सिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जोन, इको टूरिज्म और एंटरटेनमेंट जैसे डेडिकेटेड सेक्टर्स डेवलप कर रही है। इस पहल से नैना सिटी में नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी। वहीं सिटी को हाईवेज, सब अर्बन रेलवेज और मेट्रो सिटी से भी कनेक्ट किया जा रहा है जिससे कि नैना रीजन में बिजनेस और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहूलियत हो पाएगी। नवी मुंबई के पास होने के साथ साथ नैना पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और मल्टी मॉडल कॉरिडोर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL और DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रपोज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स का भी इन्फ्लुएंस है। इस वजह से यह प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। वहीं आम लोग भी इस रीजन में अफोर्डेबल फ्लैट्स के लिए रुख कर रहे हैं। दोस्तों नैना एक ग्रीनफील्ड सिटी होगी यानी इसे बिल्कुल नए सिरे से बनाया और बसाया जा रहा है लिहाजा इसे बनाते समय सभी एस्पेक्ट्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ये सिटी कंजेशन प्रॉब्लम से निजात दिलाएगी क्योंकि ये एक प्लान्ड सिटी है इसलिए यहाँ सभी कुछ ऑर्गेनाइज वे में डेवलप होगा। इस सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काफी फोकस किया जाएगा। यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बिजनेस सेंटर्स भी बनाए जाएंगे जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। बड़ी संख्या में यहाँ IT पार्क्स भी डेवलप किए जाएंगे।
सबसे मेजर बेनिफिट की बात करें तो नैना नवी मुंबई एयरपोर्ट के अराउंड डेवलप हो रहा है, जिस वजह से लोगों को ईजिली एयर फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकेंगी। वहीं इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज MTHL जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो नैना के पास ही बन रहा है, जिससे कि मुंबई में काम कर रहे लोग नैना रीजन में अफोर्डेबल हाउसेज परचेस कर इस लिंक से ईजिली जॉब के लिए मुंबई ट्रैवल कर सकेंगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी नैना रीजन के पास से ही होकर गुजरता है, जबकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, ये सभी नैना रीजन से ही होकर गुजरेंगे, जिससे यहाँ बेहतरीन मल्टी मॉड्यूल लॉजिस्टिक फैसिलिटी डेवलप होगी। वहीं JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नैना के काफ़ी पास में है, इसका बेनिफिट भी इसे डेफिनेटली मिलेगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि नैना मुंबई और नवी मुंबई के बाद थर्ड मुंबई होगा। नो डाउट, जिस तरह से 70s में गवर्नमेंट ने मुंबई की कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए नवी मुंबई को डेवलप करने का निर्णय लिया था, ठीक वैसे ही अब नैना मुंबई की ओवरक्राउडिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी और स्कार्सिटी ऑफ ओपन स्पेसेस को दूर करने में हेल्पफुल होगा। साथ ही सिटी के डेवलप होने से इस रीजन में लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी। इस सिटी में टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और डेटा जैसे स्मार्ट सॉल्यूशंस का यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे कि मुंबई में प्रेशर को कम किया जा सके और भारत की इस फाइनेंशियल कैपिटल को और भी एफिशिएंट बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।